डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे बच्चों आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा बच्चों वो कहने को कहा जाता है, जिंदगी हानि लाभ का एक सौदा है, पहले से तैयार किया एक मसौदा है। हम तो यही जानते हैं बच्चों, मुसीबतें ही जिंदगी संवार जाती है। बच्चों भारत के संविधान का सबसे मोस्ट चैप्टर हमारा है भारत का राष्ट्रपति, उसको लेकर हम आए हैं। जैसा कि बच्चों शुरू से हम आपको एक एक पॉइंट करके आपको बताने जा रहे हैं, आप विधिवत उसको पढ़िए। जैसा कि पहला ही वक्तव्य लिखा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है, भाग है, परिशिष्ट है, उनमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का वर्णन। और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की यानी केंद्र की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वो अपने समस्त दायित्वों को अनुच्छेद 74 के तहत जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता अर्थात प्रधानमंत्री होता है वो निर्वहन करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत के राज्यसभा के सदस्य, भारत के लोकसभा के सदस्य एवं विभिन्न राज्यों के द्वारा निर्वाचित विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संकमणि मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। आगे चलते बच्चों, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। बाकी के निर्वाचन संबंधी विवादों की देखरेख जो है निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु बच्चों 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 प्रस्तावक 50 समर्थक होने चाहिए एवं राष्ट्रपति के लिए जब आवेदन किया जाता है तो एक जमानत राशि होती है, कितनी? 15,000 रुपए। और जब कोई निर्वाचित हो जाता है यानी राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसको शपथ ग्रहण भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश N.V. रमणा है। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में नई दिल्ली है और नई दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। और सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला न्यायाधीश था वो था जस्टिस हीरालाल जे कानिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, राष्ट्रपति का वेतन 5,00,000 रुपए होता है जो आयकर मुक्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन भारत के जो निधि होती है संचित निधि उससे दिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति जब अपने पद पर रहता है, मान लीजिए कोई भी अपराध हो जाता, कुछ भी हो जाता है, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और एक पक्ष लगाता है तो दूसरे पक्ष उसकी जांच करता है। यह वर्णित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यही चीज लोकसभा में ठीक 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन थे नियुक्त किया, लेकिन संविधान संशोधन हुआ और उसको हटा लिया गया। राष्ट्रपति के न रहने पे राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति देखता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता तो ये दोनों के न रहने पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखता है। ऐसा पहली बार हुआ था, जस्टिस हितामतुल्ला ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के कार्यों के दायित्वों का निर्वाहन किया था। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन यानी उच्च सदन और निम्न सदन का अधिवेशन बुलाता है एवं लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और वो कहां के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य है जो है वो कोटा कहां है? राजस्थान में। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे चलते बच्चे, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमादान कर सकता है, यानी अगर राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किसी को मृत्युदंड दे दिया है तो ये राष्ट्रपति अपने द्वारा उसको क्षमादान कर सकता है या उसको कुछ जो है उसका जो सजा होती है उसको कम कर सकता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है, यानी तीनों सेना में कौन? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का प्रमुख होता है और उसी के द्वारा एक नया
जो है नया आयोग की स्थापना की, जिसको नाम है CDR, जैसा कि आप लोगों ने जनरल बिपिन रावत के बारे में सुना था, लेकिन उसका कार्यकारी जो कार्यकारी अध्यक्ष उसको बनाया गया है, नरवाड़े जी को बनाया गया। नरवाड़े जी अभी रिटायर्ड हो गए हैं, अब थल सेना के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट मनोज पांडे हो गए हैं वर्तमान समय। चलो बच्चों आगे चलते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जैसा कि आप जानते हो रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से ही हैं, उत्तर प्रदेश के कहां के हैं, कानपुर देहात के, और राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, और भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ये पुरुष थे, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। बच्चों की आगे की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तीन हमारे, भारत की राष्ट्रीय आपात 352 जो राष्ट्रपति जारी करता, 352 क्या है, कोई विदेशी आक्रमण भारत पे जब हो जाता है तो राष्ट्रपति के ऊपर ये शक्तियां आ जाती हैं किस प्रकार से देश का संचालन करना है, वो आर्टिकल 352 करता है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति शासन 356 में है, 356 में, 356 क्या है, किसी राज्य में यदि उस राज्य में विधानसभा के बहुमत दल का नेता जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री, अगर वहां की राज्य सरकार सरकार चलाने में विफल हो जाती है तो वो 356 लगता है। सबसे पहले 356 का प्रयोग पंजाब में हुआ है, सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में हुआ है, और सबसे अधिक बार वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। आगे एक वित्तीय आपदा, वित्तीय आपदा के बारे में बताया गया है, भारत के अंदर कोई वित्तीय आपदा आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा उसको लगाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। बच्चों आगे चलते हैं। संसद, संसद के बारे में आगे की कक्षा में बताएंगे, जैसा कि हम अनुच्छेद के माध्यम से संसद 79 में है, लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में है, और राष्ट्रपति 52 में है। तो जो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन किया जाता है, ठीक बच्चों। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था बच्चों, आज का हमारा राष्ट्रपति से एक सवाल आपको करने जा रहे हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ये सवाल आपको जो है आंसर आता है वो जरूर से जरूर देगा। बच्चों आज का हमारा सवाल है, आज का प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना, और आज का हमारा सवाल है, भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भारत के किस राज्य के थे। एक बार पुनः हम बताते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भारत के किस राज्य के थे, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बच्चों एक बार और जाते जाते, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें आपको क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा जो लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, इसका प्रचार प्रसार करिए। ये आपके लिए बनाया जाता है, आपकी पढ़ाई के लिए बनाता है। अच्छा, आप जब इसमें कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो ये लगता है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दें, ठीक है। हमारा डिवाइन परिवार, हमारा डिवाइन परिवार बच्चों के उत्कृष्ट पढ़ाई के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृत संकल्प है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगले जो है कोई विषय के साथ या अगले चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय डिवाइन।